सेट्स चैप्टर एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5 है, आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स इक्वल। क्या हमें जो फॉलोइंग पेयर देखने को मिल रहा है, इधर सेट ए है, इधर सेट बी है, इधर सेट ए है, इधर सेट बी है, इनका पेयर जो है इक्वल है, और इक्वल है तो रीजन हमें बताना है। तो इक्वल इक्वल है, इसका रीजन क्या होगा कि हर एक एलिमेंट सेट ए का सेट बी में होगा तभी वो इक्वल होगा, और नहीं है इसका रीजन यही होगा कि हर एक एलिमेंट सेट ए का सेट बी में नहीं है, तो रीजन यही होगा हमारा। तो रीजन तो आप खुद से भी लिख सकते हो, फिलहाल देखते हैं फर्स्ट वाले में। फर्स्ट वाले में सेट ए को लिखे हम लोग तो सेट ए कितना आएगा 2, 3 है ना। बी को लिखे तो बी को हमें लिखना होगा, यहां पे दिया है सेट बिल्डर फॉर्म में, तो इस इक्वेशन को सॉल्व करके हमें लाना होगा रोस्टर फॉर्म में। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, 6 1 6 और 6 3 + 2 5 है ना। तो हमारे पास हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0, एक्स कॉमन, तो एक्स प्लस 3 प्लस 2 कॉमन, तो हमारे पास आया एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। उसके उस हिसाब से हमारे पास है एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहां से x का एक वैल्यू आएगा, प्लस में इधर गया तो माइनस में, प्लस में इधर गया तो माइनस में, यानी सेट b कितना आएगा -3, -2। अब आप यहां पे देखकर बताइए, इसको मैं मिटा दूं 1, 2, 3 लेट्स गो। क्या यहां पे सेट a सेट b के इक्वल है? तो बिल्कुल नहीं है, प्लस में है दोनों वैल्यू, इसमें माइनस में है दोनों वैल्यू, मतलब यहां पे हम लोग बोल सकते हैं सेट ए जो है सेट बी के इक्वल नहीं है। उसका रीजन यही होगा कि हर एक एलिमेंट सेट ए का सेट बी में नहीं है। सेकंड, रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है ए इक्वल टू एक्स इज अ लेटर इन द वर्ड फॉलो। फॉलो में कौन कौन सा लेटर है उसका, तो हम लोग सेम चीज बार बार रिपीट नहीं होता है, तो एफ है तो एफ लिख लिया, कॉमा ओ है तो ओ लिख लिया, डबल एल है एक एल लिखा, फिर एक ओ है क्योंकि पहले ओ लिख लिया है तो नहीं लिखेंगे, फिर डब्ल्यू है तो डब्ल्यू लिख लिया, ठीक है। सेट बी लिखते हैं, सेट बी, बी क्या है, एक्स इज अ लेटर इन द वर्ल्ड वोल्फ, कोई रिपीट नहीं है, आराम से लिख दीजिए डब्ल्यू ओ एल एफ, कर्ली ब्रैकेट है ना, कर्ली ब्रैकेट देना नहीं भूलना है, यही सेट का पहचान है। अब f इसमें है, f इसमें है, o इसमें है, o इसमें है, l इसमें है, l इसमें है, w इसमें है, w इसमें है, मतलब हर एक एलिमेंट सेट a का सेट b में है, तो इस हिसाब से हम लोग बोल सकते हैं सेट a जो होगा वो क्या होगा, सेट b के इक्वल होगा। तो आई होप कि आपको अगेन क्लियरली समझ में आया होगा कि कैसे हमने इस टाइप के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन किया है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के साथ, और उसके साथ हमारा जो एक्सरसाइज 1.2 है वो कंप्लीटली आपका फिनिश्ड हो जाएगा, फिर हम लोग बेसिक के बारे में बात करेंगे एक्सरसाइज 1.3 के बारे में।